दो ट्रकों में ठूस ठूस कर 64 भैंसों को काटने के लिए आगरा ले जा रहे थे दो ट्रक जब्त, 64 भैंसों को कराया आजाद, दो आरोपी गिरफ्तार। जिले के खनियन थाना पुलिस ने पशुओं को क्रूरता पूर्वक भर कर ले जाने पर एक ट्रक में से 64 भैंसे और एक पड़ाव और 14 चक्का ट्रक 19,50,000 रूपए जब्त किया है। खनियन थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि 26 अक्टूबर को 1:30 बजे सूचना मिली कि विदिशा तरफ से दो ट्रक भैंसों और पड़ों के भरे आ रहे हैं जो कटने के लिए आगरा तरफ जा रहे हैं। सूचना पर रेड्डी चौराहा पर चेकिंग लगाई गई तो कुछ देर बाद चंदेरी तरफ से दो ट्रक आते दिखे, जिन्हें रोक कर चेक किया तो ट्रकों के डालों में पार्टीशन बनाकर भैंसों के पैर सिर बंधे हुए ठूस ठूस कर भरी हुई थी। ट्रक क्रमांक MP06HC8076 जिसमें 30 नग बड़ी भैंसे ठूस ठूस कर भरी हुई थी। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुन्ना पुत्र रफीक खान, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम संतर रोड बाथम वाली गली थाना निहालगंज जिला धौलपुर राजस्थान होना बताया और ट्रक में भरे भैंसों के मालिक शकील खान पुत्र मुबारक खान, उम्र 30 साल, निवासी करेनलगंज थाना सिटी कोतवाली जिला गुना बताया। ट्रक क्रमांक MP09HH5280 जिसमें 34 नग बड़ी भैंसी और एक पड़ा ठूस ठूस कर भरे हुए थे कि चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम कपिल शर्मा, पुत्र राजू शर्मा, उम्र 25 साल, निवास सिरोंज थाना सिरोंज जिला विदिशा और भैंसों के मालिक ने अपना नाम शिवराज, पुत्र प्रकाश अहिरवार, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम दीपना खेड़ा थाना दीपना खेड़ा जिला विदिशा का होना बताया। दोनों ट्रकों के चालक और भैंस मालिकों से भैंसों के परिवहन और भैंसों की खरीदी के संबंध में कागजात चाहे तो ना होना बताया। तब आरोपियों से 64 भैंसे और एक पड़ा जिसकी कीमत 19,50,000 रूपए और दो 14 चक्का ट्रक 40 लाख रूपए जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पशु क्रूरता कायम कर विवेचना में ली। कल रात्रि को सूचना के आधार पर दो ट्रक में भैंसे भरकर अवैध रूप से विदिशा तरफ से आगरा तरफ जाने वाले उप सूचना पर से रेड्डी चौराहे पर दो ट्रक पकड़े गए हैं। दोनों ट्रक में एक ट्रक में 30 भैंसे और एक ट्रक में 34 भैंसे एक पड़ा भरा हुआ था जो ठूस ठूस कर छत बनाकर भरे गए थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, ट्रक कटने के लिए ले जा रहे थे। उसमें एक मुन्ना खान धौलपुर राजस्थान का पकड़ा गया है और एक कपिल शर्मा विदिशा का है। इस प्रकार चार लोग पकड़े गए हैं, दो ट्रक जब्त किए गए हैं। कुल 19,50,000 की भैंसे की कीमत जो जब्त की गई है, आरोपी विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है।